हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं करेले। और करेले बनाने के लिए देखिए, हमने करेले, टमाटर, आमी और प्याज, थोड़ा सा लहसुन के 2-4 टुकड़े डालकर हमने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। और इसमें नमक डाल दिया है, नमक पानी छोड़ेगा तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी हमें। और ये सब डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, मिर्ची, सौंफ, धनिया, ये सब सामान इसके अंदर डाल देंगे। और फिर इसको थोड़ी देर ऐसे ही हिलाते रहेंगे तो इसमें से जो पानी रिलीज होना है वो हो जाएगा। और उसके बाद ये थोड़े खुशक हो जाएंगे। जब ये थोड़े खुशक हो जाएंगे, जब इसमें से पानी गायब हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इसको एक सीटी लगा लेंगे। और उसके बाद इसको हम सीटी लगाने के बाद उतार लेंगे। तो चलिए पहले सीटी लगा लेते हैं। इसमें सारा सामान डालकर हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे और उसमें थोड़ा सा धुआं निकलने के बाद देखिए हम उसमें डाल देंगे करेले जो हमने सीटी लगा ली थी। और उसके बाद इसको इसी तरह से भूनते रहेंगे। ये भूनने पर ही इतने अच्छे बन जाएंगे। हाँ, एक काम ज़रूर कीजिएगा, जब आप इसे बना रहे हो तो इसमें आधा चम्मच चीनी का ज़रूर डालिएगा, यानी आधा चम्मच शुगर ज़रूर ऐड कर दीजिएगा ताकि ये कड़वे ना बने। बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये ताज़े हैं, इसी समय मैंने ना इन्हें धूप में रखा है ना सुखाया है, और बस मैंने इनको काट लिया था और ये चढ़ा दिया है। और ये देखिए बनके हो गए हैं तैयार। कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। तो देखिए इसी तरह मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, और मुझे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए, और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। ये देखिए करेले कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर।